योर एक्सलेंसी राष्ट्रपति रामाफोसा, योर एक्सलेंसी राष्ट्रपति बोल्सोनारो, सबसे पहले मैं ब्रिक्स के सफल संचालन के लिए राष्ट्रपति पुतिन को बधाई देता हूं। आपके गाइडेंस और इनिशिएटिव की वजह से वैश्विक महामारी के समय में भी ब्रिक्स अपनी गति को बरकरार रख पाया है। अपनी बात आगे रखने से पहले मैं प्रेसिडेंट रामाफोसा को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देता हूं। एक्सलेंसीज, इस साल के समिट का थीम ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ प्रासंगिक तो है ही, किंतु दूरदर्शी भी है। विश्व में महत्वपूर्ण जियो स्ट्रेटेजिक बदलाव आ रहे हैं, जिनका प्रभाव स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और ग्रोथ पर पड़ना और पड़ता रहेगा, और इन तीनों क्षेत्रों में ब्रिक्स की भूमिका अहम होगी। एक्सलेंसीज, इस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ पर हम वीर गति पाए सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं। भारत से भी 2.5 मिलियन से अधिक वीर इस युद्ध में यूरोप, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया जैसे कई फ्रंट्स पर सक्रिय थे। इस वर्ष यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ भी है। यूएन के एक संस्थापक सदस्य के रूप में भारत मल्टीलेटरलिज्म का दृढ़ समर्थक रहा है। भारतीय संस्कृति में भी पूरे विश्व को एक परिवार की तरह माना गया है, अतः हमारे लिए यूएन जैसी संस्था का समर्थन स्वाभाविक था। यूएन के मूल्यों के प्रति हमारा कमिटमेंट अड़िग रहा है। पीस कीपिंग ऑपरेशंस में सबसे अधिक वीर सैनिक भारत ने ही खोए हैं, किंतु आज मल्टीलेटरल सिस्टम एक संकट के दौर से गुजर रहा है। ग्लोबल गवर्नेंस के संस्थानों की क्रेडिबिलिटी और इफेक्टिवनेस दोनों पर ही सवाल उठ रहे हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि इनमें समय के साथ उचित बदलाव नहीं आया। ये अभी भी 75 साल पुराने विश्व की मानसिकता और वास्तविकता पर आधारित है। भारत का मानना है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स बहुत ही अनिवार्य है। इस विषय पर हमें अपने ब्रिक्स पार्टनर्स के समर्थन की अपेक्षा है। यूएन के अतिरिक्त कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी वर्तमान वास्तविकताओं के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, डब्ल्यूएचओ जैसे इंस्टीट्यूशंस में भी सुधार होना चाहिए। एक्सलेंसीज, आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। हमें खुशी है कि रूस की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी को अंतिम रूप दे दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और भारत इस कार्य को अपनी अध्यक्षता के दौरान और आगे बढ़ाएगा। एक्सलेंसी, कोविड के बाद की वैश्विक रिकवरी में
ब्रिक्स इकोनॉमीज की अहम भूमिका होगी। हमारे बीच विश्व की 42% से अधिक आबादी बसती है और हमारे देश ग्लोबल इकोनॉमी के मुख्य इंजन में से है। ब्रिक्स देशों के बीच आपसी व्यापार बढ़ाने का बहुत स्कोप है। हमारे आपसी संस्थाएं और सिस्टम्स जैसे ब्रिक्स इंटरबैंक कोऑपरेशन मैकेनिज्म, न्यू डेवलपमेंट बैंक, कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट और कस्टम्स कोऑपरेशन आदि भी वैश्विक रिकवरी में हमारे योगदान को इफेक्टिव बना सकते हैं। भारत में हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक व्यापक रिफॉर्म प्रोसेस शुरू किया है। यह कैंपेन इस विषय पर आधारित है कि एक सेल्फ रिलायंट और रेजिलिएंट भारत पोस्ट कोविड अर्थव्यवस्था के लिए फोर्स मल्टीप्लायर हो सकता है और ग्लोबल वैल्यू चेंज में एक मजबूत योगदान दे सकता है। इसका उदाहरण हमने कोविड के दौरान भी देखा, जब भारतीय फार्मा उद्योग की क्षमता के कारण हम 150 से अधिक देशों को आवश्यक दवाइयां भेज पाए। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारी वैक्सीन उत्पादन और डिलीवरी क्षमता भी इस तरह मानवता के हित में काम आएगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने कोविड-19 वैक्सीन उपचार तथा जांच संबंधी इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स में छूट दिए जाने का प्रस्ताव रखा है। हमें आशा है कि ब्रिक्स के अन्य देश भी इसका समर्थन करेंगे। अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान भारत डिजिटल हेल्थ और ट्रेडिशनल मेडिसिन में ब्रिक्स सहयोग बढ़ाने पर कार्य करेगा। इस मुश्किल वर्ष में भी रूसी अध्यक्षता में पीपल टू पीपल रिश्तों को बढ़ाने के लिए कई इनिशिएटिव लिए गए, जैसे कि ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल और युवा वैज्ञानिकों और युवा राजनयिकों की बैठकें। इसके लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 2021 में ब्रिक्स के 15 वर्ष पूरे हो जाएंगे। पिछले सालों में हमारे बीच लिए गए विभिन्न निर्णयों का मूल्यांकन करने के लिए हमारे शेरपा एक रिपोर्ट बना सकते हैं। 2021 में अपनी अध्यक्षता के दौरान हम ब्रिक्स के तीनों स्तंभों में इंट्रा ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करने का प्रयत्न करेंगे। हम इंट्रा ब्रिक्स एकजुटता को बढ़ाने और इस उद्देश्य के लिए ठोस संस्थागत फ्रेमवर्क डेवलप करने का प्रयास करेंगे।